हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बीसीएस सेंटर में। अगर आप सेमेस्टर वन का स्टूडेंट्स हैं, आईआरसी हिस्ट्री आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर इस वीडियो को देख करके जाओगे ना तो आप अच्छे से नंबर भी लाओगे और वही क्वेश्चन पढ़ के जाओगे जो आपके एग्जाम में आएगा। आप मिस्टेक मत करना, क्योंकि देखो वीवीयू बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहा है, मॉडल पेपर दे रहा है, क्वेश्चन कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम क्या है नहीं है, मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये है मॉडल पेपर आईआरसी हिस्ट्री का। अब आपके पास दो जरिया पढ़ने का, एक तो ये मॉडल पेपर है और एक आपके पास विद्या केस होगा। आप लोग एक विद्या प्रकाशन का बुक आता है, वो भी आप लोग लिए होंगे, ठीक है। तो आपको तैयारी कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है 15 नंबर का जो पूछा जाएगा और 5 नंबर वाला, तो कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो मैंने बना दिया। अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक में जुड़ जाओ, वहाँ भी मैंने सेंड कर देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है वो मैंने बना दिया, जाकर के देख लो, यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये लॉन्ग टाइप्स का हो गया। अब हम एक का करके बात करते हैं कि जो पहला हमें पूछता है एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन, फिर दो दो नंबर का आपको 2 क्वेश्चन पूछता है, दो दो नंबर का 5 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका फिर 15 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को वही बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले बात करते हैं कि आप लोग एक से एक नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, कि एक नंबर वाले क्वेश्चन को कहाँ से पढ़ के जाना है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर ए, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें ए में दिया है। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किसने किया, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था, इल्तुतमिश किसका दास था, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, करो या मरो का नारा किसने दिया। ये 5 क्वेश्चन है। अगर आप ये मॉडल पेपर से पढ़ के जाओगे तो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे होगे कि मॉडल पेपर दे दिया है, अब इसी के मॉडल पेपर को मैं पढ़ के जाऊंगा और एक ना एक कम से कम टच कर जाएगा, तो मेरा यकीन मानो, हाँ भगवान के भरोसे से अगर एक टच कर गया वो अलग बात है, लेकिन इससे टच नहीं कर सकता है। मैं सब कुछ बताऊंगा, विद्या कैसे पढ़ना है, किससे कैसे तैयारी करना है, एक नंबर वाले, दो नंबर वाले, 15 नंबर वाले, कहाँ से कैसे तैयारी करके जाना है, ठीक है, सब बताऊँगा मैं। तो देखो, तो आप मॉडल पेपर से अगर एक भी क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो मैच करने की संभावना बहुत कम है, 5%, 100% में से 5% टच है, भरोसा है कि विद्या के से मैच करेगा। आखिर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो 4 साल का ग्रेजुएशन हुआ है, तो ये मॉडल पेपर इसलिए बनाया ताकि स्टूडेंट्स लोगों को ये बात पता चल सके कि क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछेगा, एक नंबर वाले कितना रहेंगे, दो नंबर वाले कितना रहेंगे, 15 नंबर वाले कितना रहेंगे। इस पैटर्न को आपको दिखाने के लिए जारी किया, ना कि आपको ये बताने के लिए कि यही सब क्वेश्चन पढ़ के जाना है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर होगा कि यहाँ से आपको नहीं पढ़ के जाना है। अब थोड़ा सा आते हैं विद्या गेस में, कि क्या विद्या गेस के लास्ट में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है। जब आप विद्या गेस ओपन करेंगे तो लास्ट में पेज में देखेंगे तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, क्या अगर मैं उसको पढ़ लूँगा तो ये एक जो 5 क्वेश्चन पूछता है एक एक नंबर का, क्या ये कम्प्लीट हो जाएगा? तब भी आपका कम्प्लीट होने वाला नहीं है, क्योंकि देखो विद्या गेस क्या किया, जो पुराना सिलेबस था ना, आने की जो आपको पढ़ना है वो किसी और सेमेस्टर वालों को पहले पढ़ना होता था, तो वही बुक का उठा करके इस पेज में जोड़ दिया है। अब आप ही बताओ, एमसीक्यू क्वेश्चन तो आता है क्या? ऑप्शन वाला तो नहीं आता है। अगर वो न्यू पैटर्न पर बनाता तो वो ऑप्शन नहीं देता, क्या उसको ऑप्शन लिखने में शौक था? नहीं था, तो पुराना वाला ही उठा करके दे दिया है, तो विद्या गेस से भी आपका आने वाला नहीं है। हाँ, एक आध क्वेश्चन मैच कर जाएगा, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक भी नहीं आएगा, लेकिन विद्या गेस के लास्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, उससे भी आपका एक नंबर में लड़ने वाला नहीं है। आखिर लड़ेगा कहाँ से? तो लड़ेगा दो ही तरीका से, या तो आप लॉन्ग क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब लॉन्ग क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपका एक अंक नंबर का वहीं से पूछ लिया जाएगा। तो एक तो ये जरिया कि 15 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ के रखो आप लोग, एक नंबर वाला टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहीं से एक आधो क्वेश्चन निकल जाएगा। लेकिन पाँचों का पाँचों क्वेश्चन सिर्फ 15 नंबर वाले क्वेश्चन बना पढ़ करके एक नंबर वाला नहीं दे सकते हो। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम भी देंगे आपको, 15 नंबर वाले भी क्वेश्चन बताएंगे, आप भी पढ़ लोगे, तो यही तरीका है इसका कंप्लीट कराने का, इसका और कोई जरिया नहीं है, ठीक है। जब आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, आर्यों के बारे में पढ़ोगे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ोगे, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन, तो वहीं से आपका एक नंबर वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको 20 दूंगा क्वेश्चन एक एक नंबर का, 20 क्वेश्चन करवाऊंगा एक एक नंबर का, आना होगा तो उसी के अंदर आएगा, बस आपको उतना ही पढ़ के जाना है। आया तो भी उसी के अंदर सर, नहीं आया तो आपको 15 नंबर वाला से लड़ेगा, ठीक है, जो भी लड़ेगा। तो ये हो गया एक नंबर वाले बात, ठीक है। एक एक नंबर का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि अगर प्रमोट लग जाता है ना तो स्टूडेंट लोग को इतना दिक्कत होता है ना, मत पूछो। तैयारी करने में दिक्कत नहीं होता है, एडमिट कार्ड आने में, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में, दोबारा रिजल्ट आने में बहुत लफड़ाएगा। अब चलते हैं दो नंबर वाले। तो देखो दो नंबर वाले आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो 15 नंबर वाले जब आप लोग पढ़ के जाओगे ना तो वहीं से कुछ क्वेश्चन काट करके आपको यहाँ पे दो नंबर वाला में दे देगा 5 क्वेश्चन, ठीक है। कोल विद्रोह,
बड़ा देखो कोल विद्रोह आपको क्या पढ़ के जाना है, 15 नंबर वाले में पढ़ के जाना है। और देखो 2 नंबर में तो आपको 5-6 लाइन चर्चा कर देना, बस हो गया 2 नंबर का, ठीक है। तो ये 15 नंबर वाले जब आप लोग पढ़ोगे ना तो उसी से छाट के दे देगा क्वेश्चन नंबर ये यहाँ 2-2 नंबर वाला में, तो आपको बस 2-2 नंबर वाला में बना देना है, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल छोटा छोटा देना है, ठीक है। तो ये 15 नंबर वाला में ही आ जाएगा, इसमें भी तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और मैं आप सभी को क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा, क्या क्वेश्चन आंसर अभी कराया जाना चाहिए या नहीं कराया जाना चाहिए आप लोग कॉमेंट करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवां नौवां दसवां, इधर बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहेगा बट आपको बनाना कितना है, ठीक है। तो इधर आप लोगों को जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहे हैं 15 नंबर वाले, वो उनमें से कोई आपको 4 बनाना है, ठीक है। कोई 4 ही बनाने होते हैं, भले लिखा रहे ना या ना लिखा रहे, लेकिन वहाँ पे पेपर में लिखा रहेगा कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। यहाँ देख सकते हैं 15 × 4 की मतलब 15 नंबर वाला आपको कोई 4 बनाना है, जो भी आपको अच्छा लगता है कोई भी क्वेश्चन 4 ही बनाना है आपको, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो, और आप लोगों को इनमें से किसका आंसर चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने बना दिया है। अगर आंसर किसी का चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आंसर भी दूंगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।